राजस्थान से बीजेपी कांग्रेस की दुकान समेट दूंगा। हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल को आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप उनका परिचय जरूर सुन ले। उन्होंने विधानसभा चुनाव के अंदर 3 से ज्यादा सीटें दाखिल की। राजस्थान से बीजेपी कांग्रेस के सामने उन्होंने कड़ी टक्कर दी। 8 लाख के आसपास उन्होंने वोट लिए। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करते जा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान से बीजेपी कांग्रेस की दुकान समेट दूंगा। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को नजदीक देखते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी व कांग्रेस की दुकान समेट में लगा हूं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल, उनका कहना है कि वो राजस्थान में परिवर्तन की जंग लड़ रहे हैं और चाहते हैं कि राज्य में किसानों की सरकार आए। आपको पता ही है राजस्थान में बीजेपी को टक्कर कड़ी दी ही। विधानसभा चुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी और राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी को हरा कर अपना नाम रोशन किया। हनुमान बेनीवाल ने 57 से अधिक सदस्य खड़े किए, जिनमें हनुमान बेनीवाल को 3 सदस्यों पर जीत हासिल मिली, लेकिन 8 लाख के आसपास वोट मिले। हनुमान बेनीवाल के साथ युवाओं का जोश ज्यादा है। अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं बीजेपी और कांग्रेस को इस राजस्थान से बाहर टपका दूंगा। हनुमान बेनीवाल की इस बात पर विपक्षी लोग नाराज हैं।